मैं हुनरमंद लड़की हूँ, हम सबका एक साथ है, ठीक है ना, हम सब एक हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं। जी यहाँ पर जो है नाज़नीन आपी की जो प्यारी सी बेटी हैं ऐमन, उनके मेहंदी लगने जा रही है। और ऐमन आप यहाँ आ जाओ, ये मेहंदी तो लगाती है बहुत अच्छी, आप नंबर लिख लो। हाँ है ना, सोनिया की लगाई थी। नहीं अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आयशा सरवर, मैं ना महरीन से मिलने आई थी तो यहाँ मुझे नाज़नीन आपी और अनीला भी मिल गई। तो नाज़नीन आपी भी बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं किचन विद नाज़नीन, और इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है, और अनीला से भी मिलके रियल में मिलके और ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कुकिंग विद महरीन से मिलने आए थे, जैसा कि पता है आप लोगों को कि महरीन के वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और महरीन कराची आई हुई है और बिल्कुल हमारे नेबर में आई हुई है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि इनके अब्बू की तीमारदारी के लिए आते हैं, इनके अब्बू की तबीयत पूछने आए हैं हम लोग। तो फाकन अलिया अदनान भी हम लोगों से मिल गए, फाकन मिल गई जी। हाँ बिल्कुल, और कुकिंग विद महरीन को भी इनकी वजह से हम सब यहाँ मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भी हाथ आएंगे, मैं हुनरमंद हूं, हाथ आएंगे ठीक है, फिर हम मिलते हैं। हमें भी दे देना, एक सेकंड को पहले मैं अपना हाथ लाऊंगी ना। लाए हाथ दें, तो ये हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं, और हम बिल्कुल साथ हैं। और जिन लोगों को इसमें हाथ नहीं वो भी हमारे साथ हैं, आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, और हम सब साथ हैं। जाहिर सी बात है हम साथ हैं, उनको तो आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही हमें साथ रहना चाहिए हर कदम पे, हर इंशाल्लाह। फिर से को सपोर्ट करेंगे, जो जहाँ कहीं थोड़ा सा अगर फंस जाता है तो हम उसे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हाँ मैं एक बात आप लोगों से आज कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे सबसे ऊपर जो है नाज़नीन आपी का हाथ है, तो ये सबसे ऊपर अल्लाह है, लेकिन जो नीचे ज़मीन पर होते हैं वो हमारे जो सर पर बड़े हमारे हाथ रखते हैं, तो उनकी दुआएं होती हैं। और ये नाज़नीन आपी जो है हमें आशीर्वाद देते हुए चलें, ठीक है फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। नाज़नीन आप ही भी जा रही हैं, आप भी जाएंगे काफ़ी देर, और आप लास्ट में आएंगे जी, भी मिलने बात कर रहे हैं, ठीक है। हम भी देर से आएंगे, और ऐसे आप देर से आइए तो आप मैरिज से बैठ के बात आएँ, और ठीक है आप हम लोग इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बताएं मेरी कैसी लगी आप। माशाल्लाह से बहुत प्यारी, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, और वाकई में बहुत ही प्यारी नेचर भी है आपकी, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला बस हमेशा खुश रखे। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयशा सरवर को सपोर्ट करनी है, और बहुत ही प्यारी नेचर की हैं और बहुत ही प्यारी खुद भी हैं माशाल्लाह से। चले फिर बात आ जाएगी जी। तो यहाँ पर मेरी अम्मी और नाज़नीन आपी मिल रही हैं, क्योंकि मैं तो कैमरे के सामने आती नहीं, तो मेरी अम्मी की जो जवानी की तस्वीरें मैं लगा दूँगी, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें मैं कैसी लगती हूँ। बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला काम को बरकत दे, और जिंदगी जाती है चलती है। आंटी सर ने आप दुआ दीजिए और मेरी अम्मी की भी दुआ कीजिए, जायज़ दुआ। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अल्लाह ताला आपकी वादों को सही तौर पर, और आंटी वाकई बहुत अच्छी आदत की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, और माशाल्लाह बहुत एक्टिव और बहुत मेहनत है। आंटी का नंबर भी ले लिया मेरे भाइयों ने, मेरा बचपन से नाम कमांडो रखा। अच्छा कमांडो आंटी, वाकई में ये कमांडो, मैं जो कमांडो बनी ना शादी के बाद मेरी अम्मी की वजह से बनी, वरना मैं बड़ी काम छोड़ गई। नहीं नहीं वाकई माओ का असर आता है बेटियों, हाँ, और वाकई माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको